चौड़ाई, ठीक है जी, ऊंचाई है। फर्ज कर लें ये दरिया का या नहर का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल में हम यहाँ हॉल के अंदर है तो फंस जाएंगे, हम बाहर अगर होते हैं तो उसमें हम चौड़ाई का बहुत अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एक पी कैप मेथड, नेपोलियन का एक तरीका है, वो बहुत मशहूर है, पी कैप मेथड, ठीक है जी। पी कैप कौन सी होती है? पी कैप ये बच्चों ने पहनी हुई भी है, पी कैप, ये ब्लैक कलर में, ये पी कैप इसको कहते हैं, ठीक है जी, जिसके आगे ये थोड़ा हेड सा बना होता है, ठीक है। ये बच्चे ने पहनी हुई है बलोची या सिंधी टोपी, इसको कह सकते हैं आप, खड़े हो बैठे हो, ठीक है जी। ये हमारे पास पी कैप है, खड़े हो गए बैठे, ठीक है जी। अब करना क्या होता है, जिस चीज की चौड़ाई का अंदाजा लगाना है उसके सारी बात है, एक किनारे की तरफ हम होंगे और दूसरे किनारे तक कितनी चौड़ाई है ये अंदाजा लगाना है ना हमें। अब फर्ज करें वो दरिया या नहर और बहाव बहुत तेज, हम उसके अंदर इंचिटेप पे जाके नहीं चल सकेंगे, हो सकता है हमें वो चीज बहा के ले जाए, तो हम अंदाजा लगाएं वो कितनी चौड़ी है, हम उसी किनारे पे खड़े होकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है। वो कैसे? ये कैप देंगे बेटा मुझे कुछ देर के लिए, थैंक यू। ये मैंने कैप पहनी बेटे, अब फर्ज करते हैं वहां से जो डाइस है, चेयर लेके बेटा वहां चले, ये एक किनारा फर्ज कर, एक किनारे पर मैं खुद खड़ा हूं और दूसरा किनारा मैं फर्ज कर रहा हूं वो डाइस है, ये दरमियान में कहने के पानी है, ये कितना चौड़ा है इसका अंदाजा लगाना हमने, मैंने कैप पहनी, इस कैप से जो डाइस का निचला किनारा है उसको देखना है मैंने, ठीक है जी, डाइस के निचले किनारे को देखना है मैंने, जहां मुझे ये नजर आना शुरू हो जाएगा वहां मैं रुक जाऊंगा, यानी कि पूरा डाइस देखना है, नो नीचे एंड देखना है, उसके बाद लेफ्ट टर्न ले लेना मैंने, ठीक है जी, और एंड में जो चीज जहां तक मुझे नजर आ रहा है वहां मैंने एक निशान लगा लेना है, ठीक है जी। ये देखें बेस नजर आया मुझे, उसके बाद मैंने टर्न ले लिया, यहां अगर मैं देखूं तो ये मुझे बच्चे का पांव सामने वाला नजर आ रहा है, वो पल्ला जो चेयर में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है जी। अब ये चौड़ाई जो है इस चौड़ाई के बराबर है, ये दोनों ऐसे तजुर्बे हैं जो आप अभी कर सकते हैं बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी और दिक्कत के, ठीक है जी। अब अगर फर्ज इसको हम काउंट कर लें, नीचे अगर देखें तो हमारे पास ये डब्बे बने हुए हैं, हम इन डब्बों को काउंट कर लेते हैं, आठ डब्बे में बच्चा बैठा हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, वो आठवें डब्बे में वहां से डाइस हमारे पास खत्म, अंदर खत्म हो रहा मौजूद है, तो ये अंदाजा भी हमारा करीब तरीन पहुंचा है, ठीक है। ये दूसरा तरीका, एक तरीका हमने सीखा ऊंचाई का, ऊंचाई का कि ये चीज कितनी ऊंची है, कितनी बुलंदी पर है, इसी तरह आप किसी ऊंची बिल्डिंग का अंदाजा भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। पेंसिल के अंदर उस चीज